निकल गए। कहाँ जा रहे हो आप? मैं तो 19 तक जाऊँगा। सो हेलो गाइस, दिस V4 बुलेट। एंड भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी शॉर्ट गन 650 लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्द, और आपका भाई जो है आपको भाई दिखाने के लिए जाएगा शोरूम में, क्योंकि शोरूम से भाई कॉल भी आया था मेरे पास कि भाई अपनी शॉर्ट गन 650 लॉन्च हो रही है, शायद 16 तारीख को होगी। तो उन्होंने बुलाया भी है कि भाई आ जाइए, वीडियो वगैरह बना दियो, रिव्यू वगैरह कर दियो उस भाई का। तो जाऊँगा भाई, क्योंकि आप अपने भाई लोग बैठे रहते हैं कैमरे के उस पार, अपने सब्सक्राइबर है वो इंतज़ार करते हैं भाई बाइक की रिव्यूज़ का। अपने चैनल पर ज़्यादा चलती है बाइक रिव्यूज़ की वीडियो, तो भाई रिव्यू लेके आएंगे उस बाइक का, चल के देखेंगे कि भाई कैसा क्या फीचर दिए हैं कंपनी ने इस बार 650 शॉर्ट गन में नई लॉन्च हो रही है। जैसे कि मीटियोर 650 लॉन्च हुई थी भाई, मीटियोर तो फिर भी 350 में आती थी, लेकिन शॉर्ट गन का तो नाम ही अलग दिया है, तो इसमें कुछ ना कुछ फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे शायद हमें। तो उसका प्राइस वगैरह भी बताऊँगा इसमें क्या रहने वाला है। और अभी ना भाई मौसम एक नंबर का हो रहा है, और भाई मोटर व्लॉगिंग कर रहा है तो भाई स्टैंडर्ड में भी, और भाई सही बताओ ना एक नंबर का मज़ा आ रहा है। एक तो चलते रहो बस ऐसे ही पेट्रोल डलवा के, और ऐसे ही बढ़िया सा खाली रोड हो, एंड भाई मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, हवा चल रही है मीठी मीठी सी, धूप निकल रही है, और आपसे बात कर रहा हूँ मैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपसे बात करके ना एक सुकून मिलता है भाई दिल को, क्योंकि भाई आज तक आप लोगों से ना मेरे सही बताऊँ तो बातचीत कम ही रही है, क्योंकि भाई ऐसे ही मैं डायरेक्ट वीडियो डालता था और बस ख़त्म। लेकिन अब भाई जब से मोटर व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना थोड़ी सी, तो अपने भाइयों से थोड़ी सी बातचीत होती है, और भाई अब जानने भी लग रहे हैं एक दूसरे को, जो कि भाई काफ़ी अच्छी बात मैं मानता हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए भाई एक दूसरे के प्रति जो है थोड़ा सा लगाव होना चाहिए दोनों में, एक यूट्यूबर और एक उसके सब्सक्राइबर में। लेकिन भाई मैं आप लोगों को सब्सक्राइबर नहीं मानता, आप सभी अपने भाई हो छोटे बड़े। एंड भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी ना मैं देख रहा हूँ फिलहाल तो कि अपने जो मोटर व्लॉगिंग की वीडियोज़ है वो आप लोग पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे, लेकिन भाई अभी चल रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा वायरल वगैरह तो हो नहीं रही। तो भाई अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ ऐसी ऐसी चीज़ करेंगे ना आने वाले टाइम पर, क्या आप लोग भी कहोगे भाई वाह मज़ा आ गया। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है अपने चैनल पे, जो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो भाई फटाफट करवा दो चैनल सब्सक्राइब करने करो भाई, वीडियोस को देखते हो आप लोग और देख के यहीं चले जाते हो, तो भाई सब्सक्राइब करने करो, क्योंकि भाई 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा जब अपनी इनकम अच्छी खासी हो जाएगी यूट्यूब से। तो भाई ना मैंने कुछ सोच रखा है, मैं अभी बताना नहीं चाहता, लेकिन ना जो करूँगा ना मैं एक नंबर की चीज़ होगी, और ना यूट्यूब पर ऐसा कभी किसी ने करा होगा। देखो भाई हवा कितनी मस्त चल रही है, अपना तिरंगा देखो कैसे लहर रहा है, तिरंगे को देख के जो वाइब आती है ना भाई उसकी चीज़ को देख के नहीं आती, सही बता रहा हूँ एक नंबर का लग रहा है ये। एक तो भाई मैं पता नहीं कहाँ आ गया, चलते चलते पहली बार आया हूँ मैं,
अपनी बुलेट वही फटा के ना खोले और आपको सो दुख दुख साउंड भी मिले तो आपको ना दो साइलेंसर मैं सजेस्ट करता हूँ। इसके अलावा भाई दुकान पर जाकर कुछ मत बोलना, बस ये बोल दो जाके कि भाई मेरे को ना आप इंदौरी साइलेंसर दे दो, और वो कह देगा कि भाई इंदौरी साइलेंसर तो नहीं है, क्योंकि इंदौरी साइलेंसर ना भाई स्पेशली जो है भाई वो MP इंदौर में मिलता है आपको, यहाँ पे जो है वो हमको इंपोर्ट ही करना पड़ता है दिल्ली वगैरह के अंदर। लेकिन आपको ना फिर मैं दूसरी एक सजेशन देता हूँ, वो है आपका मिनी पंजाब शॉर्ट बोतल, एंड उसमें भाई जाली रहती है, तो जाली वाला अगर आप मिनी पंजाब शॉर्ट बोतल लगाते हो ना अपनी बुलेट में तो उससे आपकी जो है साउंड भी बनेगी एंड आपके पटाखे भी नहीं फूटेंगे एंड भाई अच्छी लगेगी साउंड, मतलब ना किसी को चुभेगी भी नहीं, सॉफ्ट लगेगी एकदम। फिलोसफी क्या लगता है आपकी? मैं आपको नॉलेज देता रहता हूँ भाई चलते हुए रोड पे।
चीज़ पता वो क्या है, बाहर से देख रहे हो। अगर किसी भाई को पता है ना तो कमेंट करके बताओ भाई क्या चीज़ है वो। वो सारी चील उड़ती है, आप देख भी पा रहे होगा अगर कैमरा फोकस कर रहा होगा तो। चील उड़ती है भाई, चील। पास से अभी जाएंगे ना तो देखना, पहाड़ है भाई ये, दिल्ली में पहाड़ देख लो, आपको दिखा रहा हूँ पहाड़। चुप कर बे कुत्ते। आप लोग सोचते हो ना दिल्ली में पहाड़ नहीं होता, ये देखो अपने यहाँ पहाड़ भी है, लेकिन ना यहाँ पे वो हाइकिंग करने मत आ जाना भाई, अलाउड नहीं है यहाँ पे, कुछ और कोई किसी और चीज़ का ही पहाड़ है ये। यार मोड़ दे,
अभी ऐसे ये बना हुआ है ना, आगे फ्लाई ओवर आ जाएगा ऐसे ऐसे बना हुआ। अच्छा सामने समझ गया ना। हाँ हाँ, ये फ्लाई ओवर ओवर पे जाओगे, ठीक है। नीचे जाते ही हाँ, जमीन पे जाने के बाद फिर एक अंडर जैसा पास आएगा। अच्छा। अंडर निकलने का हाँ। उसमें नहीं घुसना, ऊपर से जाना, वो मधुबन चौक है। अच्छा। ऊपर से जाना इधर होना है, सीधे आपको मुड़ना है, ऊपर से जाना बिल्कुल मधुबन चौक से राइट हो गए। राइट होके किसी से रिक्शे वाला या ऑटो वाले से पूछ लोगे, वैसे तो आगे जाके है 1.5 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा, लेकिन आप पूछ लेना तो आपको सेफ पहुँच जा देगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके ओके, चलो भैया छोड़ दिया, बाकी मैं मजाक करा था भाई, मुझे तो अपने घर का रास्ता पता है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। लेकिन भैया को भी मैंने डेस्टिनेशन में छोड़ दिया, यहाँ से अभी अपने काम पे चले जाएंगे और भाई हम चलते हैं अपने घर की तरफ। निकलता हूँ अपने घर की तरफ और जब तक के लिए भाई ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। जब तक के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना।